18 मार्च को खबर लहरिया की टीम सुखारीपुर गांव पहुंची। यह गांव नरेनी ब्लॉक के नौगांवा ग्राम में स्थित एक ऐसा गांव है जहां आने जाने का कोई साधन उपलब्ध नहीं है। गांव पहुंचने के लिए खेतों और जंगलों के बीच से 10 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। यहां के स्कूल की हालत सबसे ज़्यादा बुरी है। सुखारीपुर गांव के प्राथमिक विद्यालय की कोई बाउंड्री नहीं है। स्कूल की दहलीज पर जानवर बंधे हैं। नज़ारा ये है कि बच्चों के साथ कुत्ते भी कक्षा में नजर आते हैं। वहीं पास में 28 बच्चों के मिड डे मील के लिए 2 किलो चावल के साथ 4 आलू 3 बैंगन से तहरी बनाई जा रही थी। रसोई घर की हालत इतनी खराब थी कि वहां जैसे तैसे खाना बना लिया जाता है। आपको कभी गैस मिला है आपको खाना बनाने के लिए? नहीं, हमने जब से बनाने लगे यहाँ गैस कुछ नहीं आया, लकड़ी लगाते हैं अपने। तो ये लकड़ी आप खुद लाते हैं? हाँ, हम खुद लाते अपने घर से। हाँ। यहाँ स्कूल से नहीं मिलती? स्कूल के बताइए तो और किस तरह की प्रॉब्लम है जो आप अच्छी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, या अपने आप में आप संतुष्ट हैं व्यवस्था करने में? नहीं, संतुष्ट हम भी नहीं है। मान लीजिए इस तरह से, जैसे मान लीजिए कोई सामान लाना है वो करना है, उसमें बड़ी समस्या होती है। यहाँ तक कोई साधन नहीं है, जो लाए हम अपने बाइक पे ही लाते हैं, चाहे जैसे बाइक। क्या आप जो मिड डे मील बन रहा है उससे संतुष्ट हैं आप? उसमें ज्यादा सब्जी नहीं है, चावल नहीं है, तेल नहीं दे है, तेल रखा हुआ है, जितनी सब्जी रखी है। लेकिन जो बन रहा है उसकी बात, ये तो आपका स्टोर है ना? ना ना, स्टोर नहीं है। उस समय उन्होंने सारी सब्जी नहीं निकाली, उस समय सिर्फ चावल साफ हो रहे हैं और सब्जी छीली जा रही है। इसके बाद उसमें देखिए बड़ी पड़ रही थी, बड़ी नहीं निकाली गई थी, मान लीजिए पूरा मसाला नहीं निकला। और उसके अलावा हरी सब्जियां तो कुछ है नहीं? नहीं, भाटा था, सिर्फ भाटा। देखिए इसमें तहरी है, भाटा, टमाटर, मान लीजिए। लेकिन आज मैं टमाटर नहीं ला, नहीं, पूरे गांव वाले हैं, आप इनसे पता करेंगे कैसे बनता है, क्या बनता है। देखिए ये जो मिड डे मील की जो सूचना SMS के जरिए पहुंचाई जाती है सरकार तक, वो आपके यहाँ हो पा रहा है? पूछने पर रामदीन पाल ने कहा कि 2013 में यहाँ मेरी पहली पोस्टिंग हुई। सोच तो यही थी कि हम बदलाव लाएंगे और विद्यालय को बेहतर बनाएंगे, लेकिन हम खुद ही बदल गए।